आज रास्ता बनाओगे तो कल मंजिल मिल जाएगी। जिंदगी हौसलों से भरी हो तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना और एक फिर नया स्ट्रक्चर सीख लेते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। देखते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर क्या है। सो गाइज, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं, जहां आप जनरली आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे कि मैम अभी ये कौन सा स्ट्रक्चर है। आज वो भी हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं डू कम टू होम। सो कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि मैम आपने तो बताया था कि हम एक एक्शन को दूसरे एक्शन के साथ नहीं रख सकते, बट अगर यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे तो आपको दो एक्शन दिखाई दे रहे हैं, डू भी है और कम भी है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी कभी लाइफ में हमें लोगों से जोर देकर बात करनी पड़ती है। जैसा कि मैं बाहर गई हूँ और जैसा कि अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना इज गोइंग ऑन, तो सपोज कि मैंने आपके घर में एंट्री ली, तो हम जनरली इस तरीके से लोगों को जोर दे के बोलते हैं कि भाई हैंड सैनिटाइज जरूर कर लेना। आप ऐसा बोलते हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें जोर देने की, तो वहाँ पे हमें एक वर्ड ऐड करना होता है, डू। जहाँ आपको लगता हो कि कोई भी चीज़ आप जोर दे के कह रहे हो कि भाई सैनिटाइज जरूर करना, अपने आप को, अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करना, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डू सैनिटाइज योर हैंड्स, डू सैनिटाइज योर हैंड्स। जब भी आपको लगता हो कि किसी को, मतलब आप बोल रहे हैं किसी से भी काम करने कराने के लिए कि भाई ये काम कर देना, और आपको लगता है कि आपको जोर देना ही पड़ेगा, तो आप उसके आगे डू का यूज़ कर देंगे। जैसा कि आपने बोला मैम आपको मेरे घर पे जरूर आना है, तो आप अंदर से, मतलब एक आप अपील कर रहे हो, आप जोर दे के कह रहे हो मैम घर पे अगर आप उस एरिया में आओ ना तो मेरे घर पे जरूर आना, तो आप बोलेंगे डू कम टू माई हाउस व्हेन यू कम टू दैट एरिया। आपने बोला मैम बेंगलोर आओ ना, तो आप मेरे घर पे जरूर आना, इफ़ यू कम टू बेंगलोर डू कम टू माई हाउस। सो गाइज, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो हमारा डू रहेगा वो अनचेंजेबल रहेगा, इसे हमें चेंज नहीं करना है, एंड इसके आगे हमें एक्शन को जोड़ देना है जिस एक्शन को आप जोड़ देने की बात कर रहे हो। मैंने बोला कि भाई मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना, परेशान मत होना, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लेना, तो आप बोलेंगे डू यूज़ माई फ़ोन इफ़ यू नीड, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरी कार लेकर चले जाना, परेशान मत होना, यू डू यूज़ माई कार इफ़ यू नीड इट। सो गाइज, इस तरीके के सेंटेंसेज हम घर में किस तरीके से यूज़ करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। जैसा कि आपने मम्मी से बोला मम्मी पूड़ी बना रहे हो ना, तो हलवा ज़रूर बनाना, तो जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे मम्मी इफ़ यू प्रिपेयर पूड़ी डू प्रिपेयर हलवा। तो एग्जैक्टली हमारा जो स्ट्रक्चर बना, जब हम जॉब दे के कोई भी चीज़ की बात करेंगे देकर, तो हमें डू तो ऐसे ही लगा रहने देना, उसमें कोई चेंज नहीं करना, बट आगे का जो एक्शन है इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे सेंटेंसेस चेंज होंगे उसी तरीके से हमारे एक्शंस चेंज होते जाएंगे। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी अगर आप कपड़े धो ना तो मेरी जो स्कूल ड्रेस है वो जरूर धो देना, तो आप बोलेंगे डू वॉश माई स्कूल ड्रेस, मेरा एनुअल फंक्शन है और मैं मिस नहीं कर सकती, तो डू वॉश माई ड्रेस। आपको बोलना है कि अगर टीवी देखो ना तो MTV रॉडीज जरूर देखना, इफ़ यू वॉच TV डू वॉच MTV रॉडीज। अभी तो इस टाइम पर लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम अगर आप TV देख रहे हो ना तो बिग बॉस जरूर देखना, इफ़ यू आर वॉचिंग TV डू वॉच बिग बॉस। सो गाइज, अगर मैं आपको सजेशन दूंगी और मैं आपको जॉब दे के कहूँगी, तो मैं बोलूँगी जैसा कि आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं, लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, आप लोग घर पे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगी कि भाई आप पीछे की वीडियोस जरूर देखना, डू वॉच द वीडियोस, डू वॉच द प्रीवियस वीडियोस। सो गाइज, इसी तरीके से जब भी आपको बोलना है कि भाई आप घर पे हो ना, लॉकडाउन चल रहा है,
तो आप अभी आपकी जो एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बंद हो गई हैं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द हाउस। तो हम बोलेंगे कि योगा ज़रूर करना, डू द योगा, डू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज ज़रूर करना। सो गाइज, अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मेट्रो से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इस टाइम पर कार्ड जरूर यूज़ करना है, क्योंकि कॉइन्स आर नॉट वर्किंग, जो हमारे टोकन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय मेट्रो डू यूज़ द कार्ड, आपको कार्ड रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डू कीप द कार्ड, आपको कार्ड जरूर ही रखना है। अगर आप मेट्रो स्टेशन चले जाते हैं विदाउट कार्ड तो हो सकता हो आपको वापस आना पड़े और हो सकता हो आपको नया कार्ड इशू कराना पड़ जाए। तो इस तरीके की हम सजेशन जब जोर दे के कहते हैं, पानी की बॉटल जरूर ले लेना, डू कीप द वाटर बॉटल, इस तरीके से आप सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर्स की बात करें तो आपने सुना होगा कि आपके टीचर्स अक्सर आपसे बोलते हैं कि भाई आप होमवर्क जरूर कर लेना, डू कम्प्लीट योर होमवर्क। आप क्लास जरूर अटेंड करना, डू अटेंड द क्लास। आप सेमिनार जरूर अटेंड करना, डू अटेंड द सेमिनार। आप ये सॉन्ग जरूर सुनना, भाई बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, डू लिसन टू दिस सॉन्ग। अगर हम कभी, आजकल हमारी सीरीज आ रही है, सीरीज लॉन्च हो रही हैं, तो वी आर क्वाइट इंटरेस्टेड वॉचिंग द सीरीज, तो हम किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये सीरीज जरूर देखना, डू वॉच दिस सीरीज। अगर आपको किसी को सजेशन देनी है कि भाई आपको मनी हाइस्ट मूवी, जैसा कि हर कोई देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड लोग इसको पसंद भी काफ़ी कर रहे हैं, तो आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो कि भाई लाइफ में और कुछ करो ना करो, कुछ देखो या ना देखो, लेकिन ये सीरीज़ ज़रूर देखना, डू वॉच सीरीज ऑफ मनी हाइस्ट, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ जस्ट योर सजेशन, एक सजेशन भी है और एक तरीके से मैंने आपको जोर दे के भी बोला कि भाई इस चीज़ को आप ज़रूर करना। अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आप डिस्टेंस में ज़रूर बैठना, डू सिट इन द डिस्टेंस। आप अपने स्टूडेंट से, अपने कलीग से, जो अपने आपके मेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनसे थोड़े डिस्टेंस में बैठना, डू सिट इन द डिस्टेंस। तो जब हम इस तरीके की सजेशन देते हैं तो हमारा जो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है डू, और आगे आप एक्शन लगा सकते हो जिस भी एक्शन की आप बात कर रहे हो। आपने बोला मैम आगरा जा रहे हो, ताजमहल जरूर देखना, डू वॉच ताजमहल, डू विजिट ताजमहल। दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली मत जाओ आप, डोंट गो टू दिल्ली। चलो अगर जा भी रहे हो तो लाल किला जरूर देख कर आना, डू विजिट लाल किला। अरे आप सीपी जा रहे हो, तो मैम अगर आप सीपी जा रहे हो ना तो स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना, इफ़ यू आर गोइंग टू सीपी तो यू शुड ट्राई स्ट्रीट फूड, या डू ट्राई स्ट्रीट फूड, दोनों ही हमारे सेंटेंसेस ठीक होंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं हमारे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न कर देती हैं कि भाई मैम ने तो बताया था दो एक्शन साथ में नहीं लगा सकते, अभी यहाँ पे तो हमें दो एक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो वो हम अगर छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स को दूर कर लें तो एग्जैक्टली बड़ी जो हमारी मुश्किलें हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं और हम अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर पाते हैं और अंग्रेजी भी बोल पाते हैं। सो गाइज, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। कोई भी अगर आपके माइंड में सिचुएशन है, कोई भी आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है जो शायद आपको ना पता हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लर्निंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप पीछे की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, वी विल मीट यू टुमारो, हम कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच।